क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूं एलियन एग्जिस्ट करते हैं या गोस्ट एग्जिस्ट करते हैं? सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन इस एनीमे ने ये सच कर दिखाया है। एंड यहाँ तक कि तुम में से भी कोई ना कोई तो एलियन या फिर गोस्ट पे भरोसा करते होंगे। तो वैसे ही कुछ बिलीवर्स के लिए दन दना दन एनीमे आया है, जिसमें इसके एपिसोड आने से पहले ही इसकी दन दना दन दी फर्स्ट एनकाउंटर में पहले ही 3 एपिसोड दिखा दिए गए हैं। लेकिन इसके टीवी के आने के बाद इसे पूरे वर्ल्ड में पसंद करा जा रहा है, जिसमें अभी इसके 2 एपिसोड के हिसाब से मैं सीरीज को तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ। और यार 2 एपिसोड की बात नहीं है, इस सीरीज में कुछ तो बात है। अब इसके बारे में मैं और बात करूँ, इससे पहले इसकी स्टोरी के बारे में देखते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में फीमेल प्रोटैगनिस्ट हमें दिखती है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा है, लेकिन ये उसे पैसे नहीं देती, इसलिए इसके बॉयफ्रेंड यहीं पे मैटर करने को कहता है। लेकिन फीमेल प्रोटैगनिस्ट मोमो इसे मना करके एक किक मारती है, लेकिन वो बच जाता है, उल्टा इसी की हीरोइन गिरी निकाल देता है। उसके बाद वो फिर बच्चों की तरह इधर रोने लग जाती है और फिर उसका ब्रेकअप भी हो जाता है। फिर आगे सब उसकी दोस्त उससे पूछती है कि उसने इसे बॉयफ्रेंड बनाया क्यों, तो इसके जवाब में ये बोलती है इसका बॉयफ्रेंड केन तागवान की तरह दिखता था। अब होगा इनके यहाँ पे कोई लड़का जिसकी तरह इसका बॉयफ्रेंड दिखता था। अब इसके बाद मोमो इधर उधर टाइम पास करते हुए घूमती है, जिधर इसे मेल प्रोटैगनिस्ट दिखता है, जिसका नाम ओकारुन बोला जा रहा है। अब इस क्लास में ओकारुन तो चुपचाप एक एलियन की बुक पढ़ता है, लेकिन इसे इधर बच्चे बुली करते हैं। फिर इसी बीच मोमो यहाँ पे आके ये देखती है, जैसे ही ओकारुन को जानती है इसमें, फिर सब मोमो को देख के हैरान हो जाते हैं। फिर लेकिन कुछ टाइम बाद ये उधर से बोर होके चली जाती है। आगे फिर ओकारुन खुश होके एक शायद लड़के की तरह मोमो से कहता है कि सच में होते हैं, पर मोमो इसे बेवकूफ समझ के चली जाती है। लेकिन फिर इसके जवाब में मोमो का कहना है ये एलियन के बजाय गोस्ट में बिलीव करती है। अब इसमें ओकरुन को हंसी आ जाती है कि गोस्ट और फिर ओकरुन इसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए फिर ये दोनों एक दूसरे की ऐसी लोकेशन पे जाने के बोलते हैं जिन्हें लगता है कि एलियन और गोस्ट रियल है। अब मोमो इधर ऐसी जगह जाती है जिधर इसे डर तो लगता है पर उधर इसे कुछ मिलता नहीं है। ओकरुन भी मोमो के बताए हुए एक टनल में जाता है, जिधर अचानक उसे दिखता है। अब ये गोस्ट थोड़ा अजीब सा है, पर एनिमे के हिसाब से ये गोस्ट है। अब फिर ओकरुन इससे बचता है। इतने फिर सीन मोमो का दिखाया जाता है, जिधर अचानक से एलियन आ जाता है और उसके साथ ये करता है। अब इसे देख के तुम समझ ही गए होंगे 18+ एनिमे है। इसके बाद एक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सीन मोमो के टाइम पे आने वाला होता है, लेकिन थैंकफुली मोमो उन एलियन से बच जाती है, वो भी अपने ओकरुन की वजह से, क्योंकि अब ओकरुन अब एक गोस्ट के कर्ज के लपेट में है। लेकिन इधर ओकरुन एलियन के सामने कुछ नहीं कर पाता, जिसमें मोमो के पास उसके बचपन में दादी की बताई हुई एक स्पिरिचुअल चीज याद आती है, जिसे कंट्रोल करके अब मोमो एक साइकी पावर को यूज कर सकती है, जिसमें ये अब किसी की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकती है। अब इधर एलियन से बचने के बाद ओकरुन मोमो को अपना नाम बताता है, जिसमें अब मोमो हैरान होती है कि जिस लड़के के पीछे ये थी उस नाम का लड़का इसके अब सामने खड़ा है। फिर इस एपिसोड के एंड होने के बाद भी सही मोमेंटम बना के अगला एपिसोड भी इधर से ही शुरू होता है, जिसमें मोमो ओकरुन का रियल नेम लेने को ही मना कर देती है। फिर इसके बाद मोमो ओकरुन को अपने घर ले जाती है, जिधर इन्हें एक गोस्ट का सामना करना पड़ता है, जिसे फिर मारने के बाद मोमो बेहोश हो जाती है और फिर ओकरुन एक गोस्ट में बदल जाता है। अब यार तुम यकीन नहीं करोगे, इन 2 एपिसोड में ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये एनिमे मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ। अब आगे के एपिसोड में और भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जरूर दिखाए जाएंगे, जो कि हमें पहले इसके इंट्रो में भी दिखाए गए हैं। लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को अगर हम साइड करें तो मोमो और ओकरुन का रोमकोम और ऐसी सिचुएशन में कैरेक्टर ग्रोथ को दिखाना भाई अलग ही लेवल है, और ऐसी स्टोरीज बस कुछ मांगा का ही लिख सकते हैं। अब जिसे इसके मांगा के बारे में नहीं पता, मैं उसे बता दूं, इसके मांगा का नाम युकिनोबु तासु है, जो कि चेंसू मैन और फायर पंच के असिस्टेंट रह चुके हैं। अब इसी वजह से तुम्हें ये गोश्त कुछ कुछ चेंसू मैन के मोस्टर की तरह भी दिख रहे होंगे। अब यार इन 2 एपिसोड में बिना किसी एंगेजमेंट को तोड़े इन्होंने इसमें कॉमेडी, स्लाइस ऑफ लाइफ और हॉरर जैसे इतने जनर को दिखाया, जो कि एक बड़ी बात है। अब हो सकता है ये हमें 4 एपिसोड में शायद ये ना दिखा पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सीरीज ऐसे ही चलने वाली है, क्योंकि इसके मांगा के रिव्यूज भी काफी बढ़िया हैं और साइंस आरू जैसे एनिमेशन स्टूडियो ने इसके ऊपर काम करा है, जिसने करे तो पहले बहुत से प्रोजेक्ट है, लेकिन दन दा दन इनका शायद बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। और इसके कैरेक्टर डिजाइन तुम्हें थोड़े गूफी से लग सकते हैं, लेकिन इसकी स्टोरी और बैकग्राउंड एनिमेशन तुम्हें इस सीरीज में भाई मजा ही दुला देंगे। और इसके वाइब्रेंट कलर्स को ऐसी थीम में दिखाना इसके एनिमेशन स्टूडियो की एक अच्छी चॉइस है, इसी वजह से हमें डार्क सीन्स भी इतने बढ़िया दिख रहे हैं। और हाँ, इसमें इतने
है कम टाइम में ही इतने ट्विस्ट है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि इस सीरीज ने आज के टाइम में बने रहने के लिए ऐसा करा है। लेकिन जो भी है तुम्हें पसंद आएगा और मे बी तुम्हें शायद कंफ्यूजन भी हो सकती है कि ये गोस्ट है या एलियन। जैसे कि एपिसोड 2 में ये अब इसे बताए तो इधर एक गोस्ट की तरह गया है, लेकिन इसकी हरकतें जैसे पूरे आसपास के सीन को बदलना, कोई नया से मानना, ये सब काम तो एलियन के ज्यादा लगते हैं। और क्या पता ओकरिन भी इसलिए बोलता है कि एलियन और गोस्ट में कुछ सिमिलरिटीज होती है, और क्या पता स्टोरी में आगे चल के गोस्ट और एलियन का कोई ना कोई कनेक्शन दिखाया जाए। और अब तुम लोग भी इस सीरीज के लिए सोचो मत, धन दादन एक मस्ट वॉच एनिमे है, और जहाँ तक है ये 2024 का बेस्ट एनिमे भी बन सकता है। और तुम्हारा पता नहीं, मैं तो इसे देख रहा हूँ और मुझे तो इसमें पूरा मजा आ रहा है। और अगर तुम्हें इस पूरी सीरीज के एंड होने के बाद एक प्रॉपर रिव्यू चाहिए तो तुम एनिमे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना।